सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। सभी की नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सातवें चरण के चुनाव पर है। छह चरणों के 249 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बारी अंतिम चरण की है, जो कि फाइनल चरण है। सातवें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च यानी कि कल मतदान होना है। 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। उसके बाद 403 विधानसभा सीटों पर निर्णायक फैसला 10 मार्च को आएगा। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की अग्नि परीक्षा इस चरण में मानी जा रही है। तो वहीं बसपा और कांग्रेस भी पीछे नहीं, अपना पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं, रोड शो करते हुए सभी दल नजर आए। अगर बात करी जाए हॉट सीट वाराणसी की, तो वहां पे भी जोरों शोरों से पीएम मोदी का चुनावी प्रचार देखने को मिला, महारोड शो देखने को मिला। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी बनारस में दिखे, अखिलेश यादव भी बनारस पहुंचे। तो सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम माना जा रहा है, सातवां निर्णायक चरण माना जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी से लेकर सपा बसपा कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी के सातवें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र की 54 सीटों पर मतदान होना है। आजमगढ़ और जौनपुर जिले को सपा का गढ़ माना जाता है। तो इस बार के मुद्दे अलग है, हर बार के हर चरण के मुद्दे अलग रहे हैं और सातवें चरण के मुद्दे भी अलग है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ राजेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं और विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विजय दुबे जी, जिस तरह से हर चरण के जितने भी 6 फेज के मतदान अभी तक हुए हैं, सबके अलग अलग मुद्दे रहे थे, सातवें चरण में कौन से अहम मुद्दे नजर आ रहे हैं विजय दुबे जी? सातवें चरण में कौन से अहम मुद्दे नजर आ रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है विजय दुबे जी से। राजेंद्र जी, जिस तरह से ये अहम और निर्णायक चुनाव माना जा रहा है, 54 सीटें इस बार शामिल है, सोनभद्र, आजमगढ़, वाराणसी जैसी हॉट सीटें शामिल है, क्या लगता है इस बार के मुद्दे असर डालेंगे? जिस तरह से कई मुद्दे इस बार गायब भी रहे हैं, उनका असर होगा सातवें चरण में? राजेंद्र जी, नहीं, बिल्कुल जी, थैंक यू शिखा जी। देखिए, जो सातवां चरण उतना ही महत्वपूर्ण है सभी राजनीतिक दलों के लिए, इसलिए क्योंकि ये सरकार बनाने जा रहा है। ये वाला जो एक चरण है, यदि लोग गैस कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत सीट यदि किसी को बहुमत के लिए रुक रही है, तो इस चरण के माध्यम से वो सीटें पूरी हो रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है, और इसमें खासतौर से यदि 54 सीटें हैं और क्षेत्र दो, आप लोगों ने आपने भी जैसे जिक्र किया है, एक आजमगढ़ और ये मिर्जापुर और ये वाली जो पूरी बेल्ट है जौनपुर वाली, खासतौर से जौनपुर और आजमगढ़ की 10 सीट है। जो प्रमुख रूप से यदि आप देखेंगे तो जो आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी या गठबंधन का जो दावा है, क्लेम है, वो सच होता हुआ दिख रहा है अभी तक तो। और देखते हैं कल वोटिंग है, कल के बाद क्या होता है। और देखिए, मुद्दों पे ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मुद्दा नहीं, मुद्दा बिल्कुल है यहाँ पर। और मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, दो मुद्दे हैं, एक मुद्दा बेरोजगारी का और दूसरा छुट्टा पशुओं का। तो छुट्टा पशु और बेरोजगारी का मुद्दा, कल आपने देखे होगा एक वीडियो बड़ा ट्रोल हो रहा है, कल और आज भी उसको ट्रोल हो रहा है कि इलाहाबाद से लगभग हजारों की संख्या में सब अपने क्षेत्र जा रहे हैं और ट्रेन में जब चढ़ रहे हैं तो सब समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं, तो मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कभी कभी जो पब्लिक होती है ना, जो जनता होती है, उसका मूड जो होता है ना, वो एकदम विचित्र होता है उसके। और जनता यदि परिवर्तन के मूड में है तो परिवर्तन होगा जी। और कुछ कुछ ऐसा सोशल मीडिया में भी दिखाई दे रहा है कि लोग, अधिकारी लोग सुन नहीं रहे हैं। आज माननीय है योगी जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो अधिकारी नहीं, उनका फोन उठा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। तो इस तरह कुछ घटनाक्रम और फैजाबाद वाला जो जिलाधिकारी का वो पोस्टर चेंज करना, तो कुछ सब देखा जाए इस तरह से, तो एक परिदृश्य बनता है जिसमें एक परिवर्तन की आहट सुनाई देती है कि शायद इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो परिवर्तन चाहती है जी। परिवर्तन किसको दे रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि परिवर्तन में। तो जो सबसे प्रमुख एक
राजनीतिक दल और गठबंधन उभर के आता है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि सपा और गठबंधन के पक्ष में जा सकता है समीकरण सरकार बनाने का जो एक वो है, और ये भविष्य है अभी राजनीति में क्या होता है। लेकिन अभी भी क्योंकि मुद्दे इंपॉर्टेंट है, छुट्टा पशुओं का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं में बहुत ज्यादा घर कर गया है अंदर, और खासतौर से इलाहाबाद का वो घटनाक्रम। राजेंद्र जी, अगर बात करी जाए आजमगढ़ की, तो वहां पे बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी, वहां पे अल्पसंख्यकों की संख्या भी ज्यादा है, तो क्या इसका असर इस बार भी पड़ेगा? क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं सपा मजबूत नजर आ रही है, आजमगढ़ में क्या इस बार बीजेपी के लिए एक सीट भी जीतना क्या आसान रहेगा? ये प्रश्न किससे है सिकाजी? जी आप ही से राजेंद्र जी। अच्छा, जी मैडम आप बिल्कुल सब कर रहे हैं। जब एक बीजेपी की लहर थी जी, देखिए तो आजमगढ़ से उन्होंने एक सीट ही मिली थी बीजेपी को जी। तो इसलिए बीजेपी थोड़ा सा चिंतित भी नजर आ रही है कि भाई आजमगढ़ है जहां पर भी है, खासतौर से ऐसा बेल्ट माना जाता है कि मुस्लिम डोमिनेंट है और यादव बाहुल्य है जी। और वहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का अच्छा होल्ड है जी। तो ये सच भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी बड़ी अच्छा लड़ रही है। अब देखना है कि वो लड़ाई कितनी है, कि वो विनिंग कंडीशन के लिए जा रहे हैं या वो सीटें जीतते हैं या केवल लड़ाई ही रहती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर, खासतौर से आजमगढ़ और जौनपुर में बड़ी मजबूती से लड़ रही है। इसको भी देखना पड़ेगा क्या इनकी लड़ाई में बीजेपी को फायदा हो जाए, बीजेपी की सीट निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है जी। जब परिवर्तन का यदि हम देख रहे हैं कि शुरू से पहले चरण से एक जो लहर जैसी चल रही है अंदर अंदर लोगों में, जो आक्रोश पनपा था उसको बदलने का, परिवर्तन का जो दिखाई दे रहा था जी। वो अब देखिए कि वो लोग डिसाइड कर चुके हैं कि शायद परिवर्तन चाहिए, तो उसमें बीएसपी लड़ तो मजबूती से रही है, कितना सच होता है कितना नहीं होता है ये दस मार्च के बाद आफ्टर जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रक्रिया शुरू होगी मतगणना की, तब देखा जाएगा। लेकिन हाँ जी, यदि आप वहां पे बीएसपी मजबूती से लड़ रही है, इस बात ये बिल्कुल सच है जी। बिल्कुल विजय दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार बीजेपी ने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया है, बनारस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उतरकर मोर्चा संभाला, तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्या अपने प्रचार प्रसार के दम पे बड़े चेहरों को उतार के क्या बीजेपी इस बार पिछली बार की तरह ही सीटें जीत पाएगी, या पिछली बार से सीटें इस बार कम होती दिख रही है? बनारस में कैसा असर रहेगा राजेंद्र जी? हाँ, बनारस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उस क्षेत्र से आते हैं, वहां प्रभाव रखते हैं, बड़े मार्जिन से जीते थे, और उनका जाना, उनका चुनाव प्रचार करना प्रभाव जरूर डालता है जी। लेकिन फिर भी बनारस जैसे शहर में यदि आप खासतौर से यदि ये विधानसभा का चुनाव है जी, तो लोग ये सोच रहे हैं परिवर्तन के लिए, तो बनारस दो चार सीटें छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि अच्छा लड़ाई होगी, अच्छी फाइट होगी समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, और कौन विनिंग स्थिति में पहुंचता है ये तो है। मार्जिन शायद बड़ा कम रहेगा, मुझे अपना मेरा आकलन ये कहता है कि मार्जिन यहाँ पे कम रहना चाहिए, बड़ी तगड़ी लड़ाई है और एक तरफा नहीं है कि बीजेपी को आप कह दें कि नहीं बनारस में मोदी जी ने रैली कर दी है तो बनारस जीत जाएगा पिछले चुनाव की तरह, ऐसा भी नहीं है। समाजवादी पार्टी को 100% आप जिता दें तो ऐसा भी नहीं है, कांटे की लड़ाई है यहाँ पर, जो कांटे की लड़ाई दिख रही है, जौनपुर और आजमगढ़ में कांटे की लड़ाई नहीं है, बनारस वाले रीजन में कांटे की लड़ाई मुझे दिखती है और ये सत्य है। और जैसा कि कुछ लोग वहां पे हैं कि कांग्रेस भी थोड़ा सा लड़ रही है, लेकिन देखिए आप अखिलेश यादव जी की भी रैली में या जो रोड शो उन्होंने किया तो जिस हिसाब से हुजूम था, चाहे माननीय मोदी जी के भी रैली जो उन्होंने रोड शो किया तो वहां पे जो पब्लिक का जग रही थी, तो और कांग्रेस ने भी किया तो वहां पे भी पब्लिक, तो बनारस है भाई, बनारसी जो लोग हैं ना वो क्या निश्चित करेंगे, वो अपना सोचे रहते हैं, वो अपने मौज में ही रहते हैं, उन्होंने सोच लिया होगा कि जो कुछ करना है। अब 10 मार्च का इंतजार कीजिए, ज्यादा बोलना बनारस के वाले में एकदम ठीक नहीं रहेगा, जनता का निर्णय है, सर्वोपरि होना चाहिए, लोकतंत्र में सबको स्वीकार होना चाहिए, जो भी निर्णय आए, हम आप जितना अच्छा लोकतंत्र होगा उतने सुरक्षित रहेंगे,
राजेंद्र जी, कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड सातवें चरण में कैसा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार तो एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई थी कांग्रेस, तो इस बार क्या लगता है एक भी सीट हासिल कर पाएगी, क्योंकि इस बार सक्रियता भी दिखाई है, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़कर यूपी में हर एक जो घटना हुई उसमें हिस्सा भी लिया, जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, इसका कितना असर पड़ेगा? जी राजेंद्र जी, शिखा जी मुझे है ना, विजय जी, जी राजेंद्र जी, अच्छा अच्छा जी, देखिए मुझे अपना व्यक्तिगत रूप से मैं विश्लेषण से देखता हूं जी। तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है जी, कांग्रेस लड़ रही है 2024 की लड़ाई जी, और वो पब्लिक में अपना होल्ड जितना बना सकती है और जो टच कर रही है खासतौर से आदरणीय प्रियंका जी या कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर, वो एक उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और वो जब वोटिंग परसेंटेज जब लोकसभा में जाएगा तो देखिएगा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपको। और कांग्रेस शायद वही वाली मेहनत कर रही है, वो विधानसभा इतना ज्यादा नहीं देख रही है, वो लोकसभा देख रही है बिल्कुल। और अब देखिए क्या होता है इसमें, उसकी सीटें कितनी आती है कितनी नहीं आती है कांग्रेस के बारे में ज्यादा मेरा आकलन उसमें नहीं कह सकता हूँ कि कितनी आएंगी बिल्कुल। हाँ लेकिन कहीं कहीं बहुत मजबूती से भी लड़ रही है कांग्रेस, ये भी सच है जी। हाँ लेकिन वो कितना है, कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, लेकिन सरकार के लिए साइड नहीं कर रही है। मैं हो सकता है मैं गलत हूँ कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस भी जान रही है कि वो सरकार नहीं अभी बनाएंगे, वो अपना आधार तैयार कर रही है लोकसभा के लिए और भविष्य देखते हैं क्या होता है जी। विजय दुबे जी, जिस तरह से 2017 के अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो बीएसपी के पास 6 सीटें गई थी कुल सातवें चरण में और सपा के पास 11, सबसे ज्यादा बीजेपी के पास रही थी, लेकिन जिस तरह से इस बार सपा अपने मुद्दों को उठा रही है, बढ़ चढ़कर बेरोजगारी विकास के मुद्दों को लेकर आ रही है, तो इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ता दिख रहा है? देखिए ऐसा है कि जो ये बेरोजगारी और आवारा पशुओं की बात बीच ये उठी है, ये असल में प्राइमरी तौर पे इसको मुद्दा लोगों ने जब अपोजिशन पार्टीज ने नहीं उठाया था जी। उसका उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि जो पहले 3 चरण के चुनाव थे ये मुद्दे ही नहीं थे जी। मुद्दे कौन से थे उस वक्त में, वो सारी गणित जो है वो किसान आंदोलन या फिर मुस्लिम बहुल एरियाज या फिर यादव बेल्ट, इन्हीं पे तो छोड़ी थी जी। आप जब अवध की ओर आप बढ़ते हैं तो अवध से लेकर संगम तक का जो पूर्वांचल की लड़ाई है जी। इस पूर्वांचल में अगर मैं ये कहूं कि कांटे की टक्कर कुछ जगहों पे अवश्य है जी। लेकिन जो मुद्दे आज जो जिसको कि प्राइमरी बताने की कोशिश की जा रही है जी। वो प्राइमरी कहाँ है मुझे ये तो बताइए। और सत्ता के खिलाफ जो लहर होनी चाहिए थी, जो मुद्दे उठने चाहिए थे, उन मुद्दों को उस तरीके से गढ़ा ही नहीं विपक्ष ने जी। अब आप कहते हैं साहब कि जो है कुछ जगहों पे बहुत कांटे की फाइट होकर उसमें से अपोजिशन पार्टी इन इन पार्टियों के यहां सीटें मिलेंगी, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि इन जगहों पे एक जो सत्ता के खिलाफ लहर होती है, एक ये होता है कि साहब लोग मुखर तरीके से विरोध कर रहे हैं पार्टी का, वो माहौल क्यों नहीं बन पाया? और जब ये माहौल नहीं बना तो आप एक कैसे दावा कर सकते हैं कि इन जगहों से सीटें भी निकल जाएंगी जी। लेकिन पहले के मुकाबले तो कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी इस बार, जिस तरह से सपा सक्रिय दिख रही है, बीएसपी का भी कहीं ना कहीं वोट अपने खाते में लाती दिख रही है, वोटों का बिखराव करेगी, तो पहले से कमी आएगी या उसी तरह से वर्चस्व रहेगा बीजेपी का? अच्छा मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। आप ये बताइए जो छठवें चरण में पूर्वांचल का एक बड़ा अहम हिस्सा था उसमें कितने परसेंट वोटिंग हुई है और वोटिंग डाउन क्यों हुई है, इसका क्या इंडिकेशन है, क्यों आखिरकार वोट जो है 55, 54, 56 या नीचे जो है 60 के नीचे क्यों आ गया है यहाँ आते आते जी? पलायन की वजह से बंपर वोटिंग होती तो मैं मान लेता कि जो है लोगों में जोश खरोश है, वो किसी को हराना चाहते हैं और किसी को जिताना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट मार्जिन से अगर डिसीजन होते हैं तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, मतलब जनता चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रही है। अरे वोट परसेंटेज डाउन क्यों हुई मैडम, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ कि आपकी जो छठवें चरण की वोट परसेंटेज है वो 61 से नीचे कैसे आ गई? आखिरकार रूरल वोट या वोट या जो अर्बन वोट है वो वोट परसेंटेज हायर साइड में जाने चाहिए थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और अधिक मतदान होगा। तो देखिए अगर किसी के खिलाफ मतदान होता है तो लोगों में जोश खरोश होता है और अधिक मतदान होता है जी। तब ये संभावनाएं बनती है कि लोग जो है इसके खिलाफ वोटिंग करने जा रहे हैं जी।
और वो डिवीजन जो है वो सपा बसपा और कांग्रेस के बीच हो रहा है। जो जो ध्रुवीकरण भाजपा को करना था वो तो वो कर चुकी है जी। आप पोलराइजेशन की बात फिगर कर रहे हैं तो पोलराइजेशन किधर हो रहा है ज्यादा, और जो फैक्टर काम कर रहे हैं उसमें आज भी अगर आप वीडियो रूरल बैंक की देख लें तो लोग ये कहते मिल रहे हैं उसमें कि साहब वो 5 किलो अनाज का जो है महीने का फिक्स कोटा जो है वो हमारे पास काम नहीं था तो इन्होंने फला इस पार्टी ने हमको दिलवा दिया या इस सरकार ने दिलवा दिया। तो आप इसको निगेटिव मानते हैं या पॉजिटिव मानते हैं जी? लेकिन विजय दुबे जी, जिस तरह से विपक्ष ये भी कह रहा है कि सिर्फ मार्च तक ही क्यों राशन दिया जा रहा है, क्या ये चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है, बाद तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऑब्वियसली बात है, हर पार्टी जो है चुनाव की तैयारी कर रही थी और उसने भी बीजेपी ने भी इसकी तैयारी की है। वो आगे बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं वो जो सरकार आने के बाद तय होगा, और कौन सी सरकार आएगी वो तय करेगी इसको जी। मैनिफेस्टो का कितना असर मानते हैं? जिस तरह से कई लुभावने वादे करे हैं सपा ने अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, बीजेपी ने भी अपना अच्छा खासा मैनिफेस्टो पेश किया है, तो सभी के मैनिफेस्टो को देखते हुए क्या लगता है किसके मैनिफेस्टो सबसे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए, जो ये बिजली वाला मुद्दा था उसके ऊपर में प्राइमरी तौर पर लोगों ने क्लेम करना चालू किया जी कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, सपा ने जैसे स्टार्ट किया जी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जब अपना एजेंडा लेके आई तो उन्होंने कहा कि हम किसानों को जो है इतने यूनिट फ्री देंगे जी। तो ये सब जो चीजें हैं ये आज की डेट में कितनी चर्चा में है या इसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है वो वोटिंग परसेंटेज भी तो बताती जी। अरे भाई, वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बढ़ी? मेरे लिए तो बड़ा सवाल ये है जी, इस जो है जो वोटिंग हो रही है उसमें से इंटरेस्ट लूज क्यों हुआ लोगों का? 4-5% वोट न पड़ना ये बड़ा डिसीजन कराएगा जी। अगर बात करी जाए पश्चिम और पूरब की, तो पश्चिम की तरफ कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से असर पड़ता लग रहा था बीजेपी पे कि कहीं ना कहीं बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो क्या इसका अंदाजा बीजेपी को पहले से था? और पूरब की तरफ जितना विकास किया है उसका कितना असर पड़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, बीजेपी को ये बात बहुत स्पष्ट थी कि किसान आंदोलन का उसके खिलाफ नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। आप अगर पूरा पैटर्न देख लें तो बीजेपी ने स्टार्ट चुनाव चालू होने के पहले जो है आंदोलन खत्म कराने की हर वो रणनीति अख्तियार कर ली, लॉ जो फार्मर्स ला थे वो वापस कर लिए गए, जिससे ये मुद्दा डायलूट होए और धीरे धीरे कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाए। तो जो उनको जो डैमेज कंट्रोल जिसको कह सकते हैं वो इन्होंने करने का पूरा प्रयास किया, और जो मुद्दे उन्होंने उठाने की उस बेंच में कोशिश की उसमें पोलराइज करने की कोशिश की। आप दंगों की बात करना, हिंदू मुस्लिम का बात करना, ये सब बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी थी, एक रणनीति थी पश्चिम को मैनेज करने की जी। अब पूर्वांचल की बात है तो पूर्वांचल में जो वो बार बार कह रहे हैं कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और डेवलपमेंट और फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स, ये सब चीजें भी तो बीजेपी ने, ये मुद्दे भी तो फेंके हैं पब्लिक के सामने, बार बार रिपीट कर रहे हैं वो कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया। अरे भाई, इसका भी तो आम आदमी पे कोई असर होगा जी? बिल्कुल, तो ये मुद्दे भी तो गढ़े गए हैं और पूरी तरह से क्या सब लोगों को पता नहीं कि क्या पोजिशन है आज की डेट में या पब्लिक क्या महसूस करती है? ये ऐसा नहीं है कि आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी को उस तरीके से कहां उठाया गया, मुझे ये बताइए जी। कई ऐसे मुद्दे रहे जो इस बार चुनाव से गायब रहे। राजेंद्र जी, अगर बात करी जाए किसानों की, तो किसानों का आंदोलन तो सबसे ज्यादा असर डाल ही रहा है इस चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं खाद की समस्या रही, जो किसानों के अनाज थे वो भी खराब होने की समस्या रही, कई समस्याओं का सामना किया है किसानों ने, तो इसका असर सबसे ज्यादा पश्चिम में पड़ता नजर आया है, क्या पूरब में भी इसका असर पड़ेगा जी? देखिए, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं जी तो लोकल मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, मैं कुछ बातों से जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे हैं उनसे सहमत नहीं हूँ, अपना अपना नजरिया है, वो कुछ मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे जी। मैं कुछ उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। पश्चिम का मुद्दा एकदम डिफरेंट थे, किसान वहां पे बड़े किसान थे और बड़े किसान होने की वजह से जो 3 लॉ थे जिनको लास्ट में वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को, तो वो बड़ा किसानों का मुद्दा जो 1.5 साल संघर्ष रहा, इतने 700 से ज्यादा किसान मारे गए, वो एक सेंटीमेंट के साथ उभरा था और वो काम भी किया। कितना काम किया, 10 तारीख के बाद परिणाम आएंगे, वो बात अलग है जी। दूसरी बात, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं जी? यदि बेरोजगारी का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता तो इलाहाबाद जैसे जहां पे हब है, और इलाहाबाद में कहां बच्चे होते हैं, कहां के, वहां पूरब से लेके पश्चिम तक के सब जगह का स्टूडेंट हब है,
वहां इलाहाबाद में स्टूडेंट के अलावा है नहीं, आजमगढ़ 700, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, ठीक है, मेरठ से भी बहुत बच्चे आते हैं, इधर बुंदेलखंड से भी बहुत बच्चे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और वहां पे जो आपको जो एक हुआ है स्टूडेंट पे अटैक, वो भले सरकार की सर्जिकल भूल रही हो या जो भी रही हो, उसका असर हुआ है। और आप, मैं उसको असर के रूप में देख रहा हूँ और बहुत महत्वपूर्ण असर हुआ है, जो अच्छा है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं कि बीजेपी अपना मुद्दा सेट करने में फेल हो गई। जो बीजेपी का सबसे एजिंग पॉइंट था अभी तक के इलेक्शन में, कि बीजेपी यदि जब नैरेटिव खड़ा कर देती है हिंदू मुस्लिम का, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होता है, पहली बार फेल दिखी। और पहली बार जो विपक्ष के मुद्दे थे, देखिए आप पुरानी पल्सर का मुद्दा मत भूलिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो एक जो पूरे चुनाव को गति देने में और ऊर्जा देने में और एक स्पार्क क्रिएट करने में जो काम किया है पुरानी पेंशन ने, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पुरानी पेंशन का मुद्दा और जो कर्मचारी लामबंद हुए, आप उनका असर देखिएगा। पहली बार जब मैं कहता हूं कि बैलेट जो वोटिंग हुई है, लाइन लग के बैलेट वोटिंग हुई है, और उसका असर आप देखिएगा। और हो सकता है कि बैलेट जो मतदान हुए, जहां जीत हार का अंतर बहुत कम है, वो देखिए उसी उन्हीं मतों से डिसाइड हो जाए। तो पुरानी पेंशन, किसान, बेरोजगारी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे, और छुट्टा पशु, जो खासतौर से क्योंकि छोटे किसान है पूर्वांचल में, छोटे किसान, बहुत बड़े जोत वाले किसान नहीं है, तो उनके लिए यदि आप राशन भी दे रहे हैं, तो बीजेपी का एक प्लस पॉइंट कहीं कहीं काम कर रहा है इनका, कि फ्री राशन वाला, जो खासतौर से भूमिहीन लोग हैं, जो बहुत गरीब है, बहुत वो है, उनको राशन से बहुत संतुष्टि मिल रही है और वो खुश भी है, वो सब वोट पर भी कुछ जा रहे हैं। लेकिन वही किसान ये भी कह रहा है साथ साथ कि मुझे यदि 500 रुपए का मुझे अनाज दे रहे हैं, तो मैंने रात भर अपने यहाँ जो रखवाली कर रहा हूँ खेत की, और यदि जानवर घुस जा रहे हैं, तो 5,000 से लेके मेरा 50,000 का नुकसान भी हो रहा है उन छुट्टा जानवरों से। देखिए यदि जानवर का, आवारा पशुओं का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता, तो मोदी जी जैसे जो बहराइच की रैली में उनको बोलना पड़ा कि नहीं, छुट्टा पशुओं का मैनेजमेंट हम करेंगे और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है, लोकल मुद्दे भी बहुत प्रभावी और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी व्यक्ति का चेहरा भी, जो खासतौर से जो विधायक विधायकी का चुनाव लड़ रहा है या जो भी है, वहां पे उसका क्या रेशियो, तो अपनी जनता के साथ, वहां के गांव और जो विधानसभा का क्षेत्र है उसके साथ कैसा रिलेशन है, तो हर चीजें डिसाइड होती है। लोकसभा में ठीक है, आप एक बड़ा मुद्दा चलता है, लेकिन वो पूरा नैरेटिव खड़ा करता है, पूरे उसका एक लहर बनाता है। लेकिन विधानसभा में यदि वहां पश्चिम में पहले किसान मुद्दा था, तो यहाँ पे किसान के साथ साथ यहाँ पे बेरोजगारी और पुरानी पेंशन और खासतौर से छुट्टा जानवर का मुद्दा जरूर प्रभावी है। आप देखिएगा 10 तारीख को परिणाम आने चाहिए, और मुझे लग रहा है कि विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, और बहुत अच्छे मुद्दों को बार बार वो भटके नहीं, हिंदू मुस्लिम पे नहीं गए, जिससे बड़े बड़े नेता हो गए जो बीजेपी के, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बोल निकले जी आप लोगों ने टीवी डिबेट की गई कि नेताओं की ऐसी जुबान हो गई है, तो इस तरह के जब भाषा प्रयोग होने लगी, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा डैमेज लग रहा होगा इतनी बड़ी पार्टी को। और कहीं कहीं कटे सोशल मीडिया में आजकल कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, बहुत सी, यदि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज देखना पसंद करते हैं, तो वो बार बार आपके पास दोहराई भी जाती है। यदि मैं आज बीजेपी का सपोर्टर हो जाऊंगा, तो मुझे बीजेपी की पोस्टें ज्यादा दिखाई दे जाएंगी, मैं यदि सपा का सपोर्ट हो जाऊंगा, उस तरह के वीडियो लाइक करने लगूंगा, तो मुझे वही वाली पोस्टें आपको दिखाई देगी। तो ये सोशल मीडिया का एक जो है कि आप जो देखना चाहते हैं वो आपके लिए परोसा जाता है बार 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 बार। दुबे जी, अगर बात करी जाए मुद्दों की, तो जिस तरह से अभी ये मुद्दे गिनाते हुए नजर आए राजेंद्र जी, और अगर बात करी जाए बीजेपी के मुद्दों की, तो बीजेपी के कौन से मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव में असर डाल रहे हैं? क्योंकि अगर बात करी जाए पिछले मुद्दों की, तो राम मंदिर का मुद्दा वो भी गायब है, अगर बात करी जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, काशी कॉरिडोर, तो ये सब जरूर कहीं ना कहीं दिखे है, काम दिखा है, कानून व्यवस्था जो बेहतर हुई पहले से, ये भी कहीं ना कहीं असर डालेगी, लेकिन मुख्य मुद्दे कौन से हैं जो कि इस बार वोटरों पे बीजेपी के मुद्दे असर डाल रहे हैं? दुबे जी, मुझसे सवाल है आपका, जी तो बीजेपी के कौन से मुद्दे इस बार असर डाल रहे हैं? जी दुबे जी, जी देखिए ऐसा है कि बीजेपी के जो बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है वो साफ नजर आता है, वो क्या दिखाना चाहती है जी। और जो है माफिया के खिलाफ जो योगी का कैंपेन चला, उन्होंने बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात खड़ी की, उसके अलावा तो बीजेपी की पूरी कैंपेन में कोई दूसरी बातें हमको, चाहे मोदी जी का एड्रेस देख लीजिए या योगी का एड्रेस देख लीजिए, इसके अलावा दूसरी कौन सी बातें हैं जी?
वो तो जो है कि जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब हमने जो है बुलडोजर खड़ा कर दिया है, ठीक है उसका मजाक भी अगर अखिलेश जी बनाते हैं कि बुलडोजर बाबा कहा गया उनको, तो ये लेकिन बीजेपी ने जिसको जिस तरीके से पेश किया कि भाई हमने जो है लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश किया हमारा जो है ये मुझे लगता है जैसे उनका मेन मुद्दा ही वो आज की डेट में पूरे इलेक्शन भर वो ये गाते रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब जो है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट को लेकर के उन्होंने फोकस किया, बोले साहब जो है माफिया को जो है स्टेट से बाहर निकाल दिया हमने, हमने जो है महिलाओं को और महिलाओं को सुरक्षित रखा या लड़कियों को सुरक्षित रखा, या हमने पुलिस को एक्टिव किया जिसने की जो है ऐसी चीजों को बंद किया है, जो लोग कमेंट करते थे उनके लिए गैंग बना दी पुलिस ने उसको फॉलो किया, ये सब चीजें उन्होंने यही रखी है। इसके तरह इधर है कि वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो बार बार ये रिपीट करते हैं अपनी बात को कि हमने इतने एम्स दे दिए, हमने इतना जो है रोड बना दी जिसके ऊपर की प्लेन भी उतर सकता है। तो ये बीजेपी ने इन्हीं पॉइंट को लगातार गिनाया है। दुबे जी अगर रोडों की बात आई है बीच में तो मैं इस ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि जब बीजेपी बसपा और सपा की सरकार रही तो उसमें अगर बात करी जाए लखनऊ की सबसे ज्यादा तस्वीर बदली, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की तस्वीरें बदली हैं, लेकिन जब बीजेपी आई है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर शहरी क्षेत्रों में तो काम हुआ है पिछली सरकारों में भी इस सरकार में भी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कितना काम हुआ? जब योगी जी आए थे तो उन्होंने गड्ढा भरने की बात कही थी, सड़क बनवाने का जो सड़क के हाल आप भी देख रहे हैं, तो उसमें कितना बदलाव हुआ है? देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं जी उनको हल करने के लिए अगर कोई कहे कि साहब योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन वो किस चीजों को एड्रेस कर रहे हैं जो बीजेपी लगातार रिपीट कर रही है उस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी चाहे वो कोविड पीरियड की बात करते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात करते हैं जी। या वो जो एंटी जो क्लेम सपा में खासतौर पर करते हैं कि साहब जो है उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये सब एक कैंपेन का हिस्सा है। बिल्कुल, आप इसको रूरल के लिए कहिए चाहे अर्बन के लिए कहिए शहरी क्षेत्रों के लिए कहिए, वो एक पैटर्न उन्होंने डेवलप किया और उसी पैटर्न पे पूरे चुनाव में ये बातें कही जी। अगर बात करी जाए जातिगत वोटरों की तो राजभर, निषाद, स्वर्ण, ओबीसी, दलित, इनके वोट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सातवें चरण में। अगर निषाद की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी का गठबंधन तो बीजेपी से है, लेकिन निषाद वोटर कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, उनसे जो दावे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो क्या इसका असर पड़ सकता है सातवें चरण में? देखिए सातवें चरण में जो अनुप्रिया पटेल का जो फैक्टर है जी, जो खासतौर पर मिर्जापुर और जिस बेल्ट में है, उन्होंने इसलिए अपने अलाइज जो है अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी से लिखे पार्टियों को जोड़ा इस बेल्ट को साधने के लिए ही जी। अब देखना ये होगा कि ये जो है जातीय समीकरणों को किस प्रकार से बीजेपी अपने साथ खड़ी कर पाती है, और अपोजिशन में खासतौर पर जो बात करें अगर सपा की, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस जो है वो केवल विपक्ष के वोटों का उन वोटों का डिवीजन कर रही हैं जो कि सपा के खाते में जा सकते थे जी। लेकिन उन्हीं की अगर आप दूसरी हिस्से की बात करें तो आपको अनुप्रिया पटेल और निषाद संजय निषाद जैसे के जो निषाद पार्टी है ये बीजेपी के अलाइज के रूप में उनके एसोसिएट के रूप में उन वोटर्स को रोकने का काम कितना करेंगे ये बहुत बड़ी बात है जी। और उन्होंने जो जो कैंडिडेट दिए हैं जो जो लोगों की जो वो है एड्रेस है उससे ये लगता है जैसे कि वो जो कैंडिडेट पैटर्न है उसमें निषाद पार्टी के जो खास जिले हैं या खास कैंडिडेट्स हैं क्या वो उनको उतना वोट मिल पाएगा, मैं इस चीज को अभी बहुत श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि ओबीसी भी कितना सक्सेसफुल होगी बीजेपी जी। राजेंद्र जी अगर बात करी जाए प्रत्याशियों की तो प्रत्याशियों को इस आधार पे उतारा गया जहां पे जो मतदाता ज्यादा है, यानी कि डिमांड के आधार पर, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति जो यूपी की है या फिर ज्यादातर हमारे देश की राजनीति है वो जाति धर्म के आधार पर देखने को मिलती है। अभी उदाहरण के तौर पे वाराणसी की बात कर ले दक्षिण की, तो वहां से दीक्षित और तिवारी को उतारा गया, अभी भाजपा की तरफ से नीलकंठ तिवारी को उतारा गया है और किशन दीक्षित को उतारा गया है सपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रत्याशियों को उतारा गया है जो कि वोटरों को ध्यान में रखते हैं, तो विकास के मुद्दे कहाँ पे है, कौन से ऐसे चेहरों को उतारा गया है जो कि विकास करते हुए नजर आए हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा है, किस आधार पे उतारा गया प्रत्याशियों को? जी बिल्कुल एकदम, और जो देखिए राजनीतिक पार्टियां सब चीजों का अपना आकलन करती हैं प्रत्याशी चुनने में, और
और जाति का आकलन भी करती है। जाति क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो। तो यदि जाति किसी एक्स जाति का बाहुल्य है उस क्षेत्र के, तो उस पहला प्रायोरिटी हर पार्टी का ये रहता है कि एक्स पार्टी एक्स जाति के व्यक्ति को ही हम अपना चुनाव लड़ाएं। ठीक है, तो ये तो नेचुरल है और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ मैं। और दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी बार बार एक मुद्दा उठा रही है, जिसको विकास जी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल कि भाई आप जो है आपका कानून व्यवस्था का मुद्दा, जो माफिया राज का मुद्दा, तो देखिए उसी माफिया राज के मुद्दे का जो इनकाउंटर कहते हैं आपकी, जो उसका जो काउंटर भी आप विपक्ष कर रहा है और कह रहा है कि जब उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, तो उस समय आपका महिला सुरक्षा कहाँ गई थी, कानून व्यवस्था कहाँ गई थी, विकास दुबे को मार दिया उस समय कानून व्यवस्था कहाँ गई थी, ठीक है, टेनी के पुत्र जी को जमानत मिल गई, सरेआम किसान में चढ़ा दिया गया। तो ऐसा नहीं है, यदि वो बार बार वो अपना जो बीजेपी का एक पक्ष था, मजबूत पक्ष जिसको कह सकते हैं, तो उसका काउंटर भी है कि भैया आपने जो ये बुलडोजर की कहानी भी गढ़ी है तो एक चुनिंदा लोगों के लिए, खासतौर से एक मुस्लिम एंगल समझ में आ रहा है कि आपने जो काम किया, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे आपके या एक पर्टिकुलर विशेष धर्म जाति के थे, उन्हीं पर किया। किसी जब राजा भैया या धनंजय जी या कोई और जो है जो सो कॉल्ड माफिया है उनके ऊपर ये सब कहां गया था। तो ये जनता देखिए सब एनालिसिस कर लेती है, अपना वो सब तय कर लेती है कि उसको क्या करना है क्या करना नहीं है। यदि किसी के घर में कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट, बहुत जो यूपी सरकार उसको मैनेजमेंट कहती है कि हमने बड़ा अच्छा मैनेज किया, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको सब यूपी का सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट मानता हूं, भले ही आप आंकड़े में ना दिखाएं, क्योंकि आंकड़े में दिखाते हैं आप तो आपको अब जवाब देना पड़ता है। तो इतनी जो लाशें रही है, हर दूसरे घर का व्यक्ति मरा है, उसको वो दर्द है। यदि कोई व्यक्तिगत किसी परिवार का सदस्य कोई इस महामारी में मारा गया, और ऑक्सीजन की वजह से, खासतौर से जब ऑक्सीजन का इतना बड़ा हुआ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ केवल उत्तर प्रदेश इसका एक ऐसा राज्य था नौका की वहां पर सब समस्याएं हुई, दूसरे राज्य भी थे, अन्य राज्यों में भी समस्याएं हुई और लोग मरे, ऐसा नहीं है कि नहीं लोग मरे, लेकिन यूपी में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की जब देखिए आप जब पूरे कब्रे जो शमशान के सामने जो गोमती के पार वाला है वहां पे आप टीन सेट लगा देते हैं, जब गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई देती है, तो एक दृश्य जो बना ना वो बहुत ही थोड़ा सा भावुकता वाला और बहुत ही विचलित करने वाला, संवेदन जिसमें जिसको संवेदना है वो बहुत एकदम द्रवित हो गया और कहा कि ये इस तरह से कैसे हो गया। तो और इसमें बात सरकारों को अपना ये मानना चाहिए था कि जरूरत जबती ये मैनेजमेंट करते सब उस समय खैर डर भी ऐसा था, ये कह सकते हैं कि आदमी कौन फ्रंट पर नहीं आना चाहता था कि नेता लोग आए मदद करते, ठीक है आप ये कह सकते हैं कि हम लोग बैठ के यहाँ चर्चा कर लेते, नेताओं का भी डर था कि भाई कोरोना ना हो जाए, ये एक बात भी सही हो सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार जो जो थी उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे मेरे विचार में, जो और जिसलिए इतना ज्यादा बड़ा जो फेल्योर सब विपक्ष वो बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहा है कि आपने कोरोना का सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट किया, कानून व्यवस्था आपने केवल अपने लोगों के लिए कानून व्यवस्था किया, आपने केवल पर्टिकुलर जो आप जाति धर्म के विशेष के लोगों को टारगेट किया, तो ये सब भी मुद्दे हैं, कितने प्रभावी हैं आपके पास, समय खत्म ही है, कल वोटिंग हो जाएगी 10 तारीख को बाद आना है जी। सबको अपने भाव पता चल जाएंगे आटे दाल का कि कौन भैया कितने पानी में, लोग किसने प्रशन किया, प्रचार प्रसार किया गया है और बीजेपी के मंच से जिस तरह की बातें सामने आई है, सबसे पहली दो बातें हर मंच से सामने आई है, सीएम योगी दो सवाल जरूर पूछता है कि महीने में दो बार राशन मिल रहा है कि नहीं, वैक्सीन सबको मिली कि नहीं, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, तो आखिर इसको राजनीति में भुनाना कितना सही रहा। दूसरा, त्योहारों पर जिस तरह से बिजली चली जाती थी, तो पिछली सरकारों पर इनको लेकर भी आरोप करा गया है कि बिजली में भी कहीं ना कहीं धर्म देखा गया था, तो ये तीन बयान कितने सही लगते हैं? देखिए, ये सारी जो चीजें हैं इसको वो अपने पॉजिटिव साइड पे रख रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये हमने किया है, ये परफॉर्म किया है, ये हमारा किया हुआ है, वो क्लेम इसी बात का तो कर रहे हैं जी। लेकिन ये तो दायित्व है सरकार का, कोई भी सरकार सत्ता में रहती तो कोरोना काल में वैक्सीन देना, टीके देना और राशन देना जिम्मेदारी थी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि लोगों की मदद करे जी। लेकिन दूसरा नजरिया जो बीजेपी पुटअप कर रही है, जो लोगों के सामने रख रही है जी, कि हमने करके दिया, आप दोनों में जो एक राजनीतिक जो पॉलिटिकल मैसेज है जी, और जो वो कहना चाह रहे हैं उसको रीड करना होगा।
हम और आप कह रहे हैं कि जो है ये नहीं कह सकते आप जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोगों के बीच में जो जिस तरीके से जो मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है और जो मैसेजिंग लगातार की गई है, वो तो यही क्लेम कर रहे हैं ना कि हम थे तो हुआ अन्यथा नहीं होता जी। जैसे लगता है कि जो है अगर भाजपा सरकार में नहीं होती तो ये सब योजनाएं नहीं होती, ये सब काम नहीं होता, क्लेम तो यही है ना जी। एक बयान प्रधानमंत्री का असर वो एक बयान और नमक वाला सामने आया, इसको किस तरह से देखते हैं कि मैं नमक का कर्ज अदा करूंगा, कहीं ना कहीं नमक की बात बीच में आ गई, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है, उन्नाव के सभा में प्रधानमंत्री मोदी आए तो छुट्टा जानवरों की बात उठी, बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसको हमने मैनेज नहीं किया था जी। और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम आने वाले जो है पांच सरकार का मौका दीजिए, हम इसको मैनेज करेंगे जी। ये दिस वॉज ए पॉलिटिकल मैसेज, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची जी। और प्रधानमंत्री ने जो जो राजनीतिक गणित है वो चुनाव को देखते हुए दिया कि साहब इसको हम मैनेज करेंगे, ये हमारे जानकारी में या जैसे लगता है कि सरकार को पता ही नहीं था जी। और ये नमक वाली बात जो है ना, ये दिस इज ए पॉलिटिकल टॉन्ट जी। पॉलिटिकल टॉन्ट को हम वोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी तो सवाल वोट का है ना जी, अभी टॉन्ट का नहीं है। तो अगर लोग मान लें कि साहब जो है ये नमक नमक खिलाने की बात कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि साहब हमारा नमक खा लिया और उससे वोटिंग हो जाए, तो ये तो बहुत अच्छा पैटर्न होगा, लोग रिएक्शन दे सकते हैं अगर मैं आपकी बात को ऑनर करूं तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मुद्दा बना हो और बीजेपी के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया हो। हाँ, एक बात मैं जरूर राजेंद्र जी से सहमत हूं कि एक मौका जो कोरोना को मुद्दा बनाने का था उसमें विपक्षी पार्टियां चुकी हैं और उसपे सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता था, लेकिन ये उस तरह से नहीं उठा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर कैसा क्यों हुआ। मैं कल भी इसकी चर्चा कर रहा था किसी से और मैंने कहा कि भाई ये क्यों नहीं उठाया गया, अगर विपक्षी पार्टियों ने अपना राजधर्म निभाया होता तो उनको उन लोगों की याद जरूर आनी चाहिए थी, लेकिन ये डायल्यूट कैसे कर गए वो जी। राजेंद्र जी कहीं ना कहीं सवाल जी, है बिल्कुल, राजेंद्र जी कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि हमने जमीनी तौर पे काम किया है कोरोना के समय में, हमने ट्विटर वाली राजनीति नहीं करी, हमने जमीन पे उतर के जनता की सेवा करी है, कितना सही है जी? मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ का आसपास का माहौल भी ऐसा रहा जो ये था कि आज है कल नहीं है जी, मतलब बड़े बड़े सोर्स लगा लिए। मेरी जो पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है तो मेरा ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अच्छे दोस्त है जी। आप बिहार से, मैं व्यक्ति का संवेदना बताता हूँ, एक बिहार के IAS है मेरे फ्रेंड, नाम नहीं लूंगा जी। उन्होंने मुझे फोन किया कि राजन लखनऊ से इंतजाम हो सकता है क्या? बिल्कुल, वो इंजेक्शन जो चल रहा था, क्या नाम बोलना उस समय, जो सब वो इंजेक्शन बड़ा डिमांड था, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा सर आपको प्रॉब्लम कैसे हो रही है वहां पे, आप मतलब आप तो ऐसी जगह पे हैं। खैर मैंने जो अपना मेरा एक सर्कल था मैंने मैसेज डाला कि किसी के पास वो वाला हो जाए, वो आया, जवाब आया 24 घंटे लेट आया कि मतलब हाँ कि ठीक है यहाँ से, फिर वो किसी तरह से मैनेज हुआ, उसका कई गुना 65,000 रुपए देना पड़ा जिसकी कीमत 500 रुपए थी, ठीक। तो इस तरह के केवल एक हादसा जो है कि जो हम लोगों ने देखे और जो ग्रुप में मैसेज आ रहे थे जो हम लोगों ने एक बनाया था ग्रुप, उसमें लगातार इतना इतना कि भाई किसी का साथ कोई हो जाए, ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक हुआ 20-25 हजार में, ठीक है। तो उस समय लोग कह रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट गया कहाँ, आपका फेल्योर हो गया पूरा एकदम, ठीक है। क्राइसिस थी, ये बात भी सही है कि क्राइसिस थी एकदम, ऐसा कभी नहीं देखा था, लोगों ने महामारी आई और इस तरह की महामारी आई कि लोग एक दूसरे को छूना पसंद नहीं कर रहा था, देखना डर रहा था, मन में इतना ज्यादा भय और थी कि मतलब पहली बार देखा है एक जनरेशन का, हमको लग रहा है जितने भी इस समय जीवित प्राणी है सभी ने पहली बार ही देखा जी। कि इस तरह का भी कोई हो सकता है वो। लेकिन मैनेजमेंट भी कहीं कहीं किसी किसी स्टेट ने बड़ा अच्छा किया, बस उसी का एक थोड़ा सा एक कसर थी कि आपने चेक नहीं किया, जहां लूट मची थी वहां पे करना चाहिए जी। आपको याद होगा उस समय भी बहुत से कोरोना के समय बड़े बड़े मंत्रियों के फोन आ रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे PGI लखनऊ और इसमें KGMC में जी। प्रत्यक्ष गवाह है, हमारे यहाँ से भी बहुत लोग गए, कहाँ कहाँ से सोर्स लगाना पड़ा। एक मुद्दा ये भी था कि जब सरकार ने एक समय पे कहा कि किसी की मौत नहीं हुई है कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था जो कि विपक्ष अच्छे से नहीं उठा पाया। इस तरह जब सरकारें करती है ना, तो मैं किसी एक सरकारों की बात कर रहा हूँ, ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए XYZ कोई भी सरकार हो, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कोई भी है, कांग्रेस है, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ,
सरकारें अपने उत्तरदायित्व से जब तक भागती है ना, जी तो ये डेमोक्रेसी के लिए घातक है। जी सरकारों का भी उत्तरदायित्व तय होना चाहिए, यही बस हम कहना चाहते हैं। इसी यही संदेश है हमारा कि उत्तरदायित्व यदि हमारा है तो आपका भी है। जी और उत्तर सरकार के एहसान कर रही है कोई, भाई आपको सरकार जनता ने चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में, आपको ये कार्य करने हैं, आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करानी है, वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करना है। और जब यही वेलफेयर स्टेट में बदल जाके अपना अपना हित दिखाई देने लगता है, किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों का हित दिखाई देने पड़ता है, तो क्वेश्चन होते हैं, आवाजें आती हैं, विपक्ष की भूमिका में लोग आते हैं। तो ये होना चाहिए, विपक्ष भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। जी, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा करनी है, यही नजर आ रहा है। विकास दुबे जी, जिस तरह से हमने पूरा कार्यकाल देख लिया है, बीजेपी का भी, सपा का भी कार्यकाल देखा, बसपा का भी कार्यकाल देखा, इस वक्त कोरोना काल रहा है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा नागरिकों को। अगर बात करी जाए जो मुद्दे उठाता रहा है बीजेपी, बीजेपी ने जो भी मुद्दे उठाए, इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा उठाया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास उसका क्रेडिट जाता है। अगर काशी कॉरिडोर का मुद्दा उठाया गया तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है पीएम मोदी को। तो जो मुद्दे हैं और उनका क्रेडिट है वो बट जा रहा है। अगर सीएम की बात करी जाए तो उनके द्वारा कौन से बड़े काम किए गए हैं जो कि उनके काम को देखते हुए जनता इस बार वोट करे? देखिए, ऐसा है कि आपने अभी बनारस में शायद जो रैली थी मोदी की, आपने कुछ चीजें गौर की हो तो आपने देखा होगा। जी, पूरी रैली में, पूरे बनारस के जो रैली थी उसको केवल मोदी लीड कर रहे थे। जी, योगी जी नहीं दिखे थे। और एक चीज ये भी है कि जब वहां पे पूजा अर्चना हो रही थी, वो चाहे राम मंदिर की हो या काशी कॉरिडोर की, तो वहां से भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गायब दिखे थे। इसके पीछे की क्या वजह है? मैं वजह की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जी, कि टोटल जो बीजेपी जिसकी क्रेडिट की आप बात कर रही हैं जी, वो मोदी को सामने रख के अपना सारा कैंपेन लीड करते हैं। जी, मेरा कहने का तात्पर्य यही था आपसे, अरे भाई प्रधानमंत्री ही हमेशा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो भी फेस रहते हैं जी, और मतलब संसद का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, तो उनको फेस होना ही है। बिल्कुल। तो आप कर क्या रहे हैं? आप जिस कंपैरिजन को लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई योगी वर्सेस अखिलेश, योगी वर्सेस अखिलेश, अरे भाई वो फेस है कहां? बिल्कुल। तो ये वो नहीं है। और इसी चीजों को बदलने के लिए लगातार अपोजिशन प्रयास कर रहा था कि योगी वर्सेस हो जाए, योगी वर्सेस मतलब अखिलेश हो जाए, जिससे जो जो टोटल लड़ाई है वो स्टेट लेवल पर डिफाइन हो सके जी। लेकिन बीजेपी ने इस फेस को प्रेजेंस होकर के और योगी वर्सेस अखिलेश नहीं होने दिया जी, मोदी को ही सामने रखा हमेशा। उसको जो फेस समझ में आता है, शायद वो हमेशा अपर हैंड मोदी में ही मिलता है, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी को आम तौर पे आगे करते हैं और वही लीड करते हैं कैंपेन को। जी बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, हमने सभी चीजों पे चर्चा कर ली, मुद्दों पे भी, पार्टियों के काम पे भी, तो क्या लगता है जनता कौन से मुद्दों को देखते हुए सातवें जो अंतिम निर्णायक चरण है उसमें वोट करेगी? जनता जनार्दन होती है जी, ठीक है, जनार्दन का कहने का मतलब भगवान होती है जी, और इसमें छोटे दलों की भी काफी अहम भूमिका है, परीक्षा भी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुद्दों का भी ध्यान रखेगी, अपने सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखेगी, अपने जो राजनेता है उनका भी ध्यान रखेगी, उनके बयानों का भी ध्यान रखेगी, क्या दे रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या हुआ, इन सब का ध्यान रखेगी। इसीलिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जब जब अहंकार आता है तो आपको यही जनता आपको आसमान से जमीन पला देती है जी। और इसी इसी अलग राज्यों में भी, इसी देश में जब एक समय कहा जाता था कि इंदिरा गांधी को कोई हराने वाला नहीं है जी, इंदिरा गांधी को रायबरेली में हराया एक, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इस देश में कोई अमर नहीं है। बिल्कुल। और राजनीति में तो खासतौर से जो आप मान लें कि हमारा ही सत्ता रहेगी हमेशा, होने भी नहीं चाहिए जी, किसी की भी, इससे एक अहम और अहंकार जो आता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। जब आप संवाद की स्थिति से हट जाते हैं, लोकतंत्र में यदि संवाद खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, ये समझ लीजिए। तो संवाद जरूर बना रहना चाहिए, वैचारिक द्वंद रहे, वैचारिक भेद रहे, एकदम स्वागत है जी। इसलिए जनता सब चुनेगी,
जनता कोई कोई कभी नमक का मुद्दा भी किसी लोगों को अपील करेगा, किसी को सांड का मुद्दा भी करेगा, किसी को राम मस्जिद भी करेगा, किसी को मस्जिद करेगा, किसी को मंदिर करेगा। लेकिन ये भी जान रहे हैं लोग कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वो ठीक है चली, लेकिन बीजेपी उसका फायदा लिया, एक दो इलेक्शन में उसको बंपर मेजोरिटी मिली राम मंदिर का मुद्दा। लेकिन अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि कब तक राम मंदिर, और मैं आपको कह रहा हूं दावा के साथ, आप मुझे बुला लीजिएगा जब इलेक्शन डिक्लेयर हो, अयोध्या की सीट बीजेपी हारेगी बड़े मार्जिन से हारेगी, देख लीजिएगा। ये तो वक्त बताएगा कि क्या फैसला लेती है जनता, जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। हमारे साथ विजय दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे जुड़े थे और राजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। हमने दोनों से सातवें चरण खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करी कि कई मुद्दे रहे हैं, कई कमियां रही हैं, विपक्ष की ये कमी रही है कि कुछ मुद्दे विपक्ष से छूट गए हैं, जिस अच्छे तरीके से, जिस प्रमुखता से कुछ मुद्दे उठाने चाहिए थे वो छूट गए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कमी इस मौजूदा सरकार की भी रही है। कुछ नाराजगी जनता के बीच देखने को मिली जिसका असर कहीं ना कहीं इन चुनावों पर पड़ता दिख रहा है, लेकिन स्टार प्रचारकों को उतार के लगातार जनसंपर्क करके बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में। अब जनता क्या फैसला लेती है, जनता को किसका कौन सा काम पसंद आता है, क्योंकि सभी का कार्यकाल देख लिया है जनता ने, अब ये जनता के हाथ में है किसको किसकी नीति अच्छी लगती है, किसको किसका मैनिफेस्टो अच्छा लगता है, उसकी आधार पर कल चुनाव होगा। और ये निर्णायक चुनाव है, सातवें चरण का चुनाव है, 10 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। तब तक हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।